नमस्कार। अपनी आंखों को आराम देते हुए इस ऑडियो का आनंद लीजिए, और अगर ये ऑडियो आपको पसंद आए तो बुक को खरीदिए और बुक को पढ़ने का आनंद भी लीजिए। बुक का नाम है अ यंग गर्ल बाय एना फ्रैंक। यह एक नॉवल कम डेली डायरी ज्यादा है। एना फ्रैंक 12 साल की एक लड़की की। एना फ्रैंक जर्मनी में रहती थी अपने माता पिता और एक बहन के साथ। ये पूरी पुस्तक, या ये कहें ये जो नोटबुक है, डेली डायरी है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे लिखी गई है। एना फ्रैंक ने जब वो अपने परिवार के साथ हाइड आउट में थी, छुपी हुई थी, अंडरग्राउंड थी, क्योंकि वहां पे ज्यूइश लोगों को ढूंढ ढूंढ के बर्बरता से मारा जा रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। किताब है एना फ्रैंक के बारे में, जो उसने लिखा है अपनी डेली डायरी के अंदर। एना फ्रैंक अपने परिवार, माता पिता और बहनों के साथ जर्मनी में रहती थी। जब ये सिचुएशन आई, ये जब स्थिति आई वर्ल्ड वॉर विश्व युद्ध की, तो एना फ्रैंक के पिता अपने परिवार को लेके अपनी ऑफिस में एक गुप्त स्थान बनाते हैं, जहाँ पे वो, उनका परिवार और उनके कुछ मित्र अपने परिवारों के साथ रहते हैं। किताब में एना फ्रैंक ने लिखा है कैसे उनको डेली दैनिक कार्यों के लिए जो उनकी जरूरतें थी, उनको कैसे वो हैंडल करते थे, कैसे उनको संभालते थे, किन किन चीजों की उनकी जरूरत पड़ती थी, वो अपने खाने की पूर्ति कैसे करते थे, उनका मनोरंजन का साधन क्या होता था, कैसे वो एक दूसरे के व्यवहार से परिचित थे, कैसे उन लोगों के आपस में नोक झोंक होती थी, और कभी कुछ आहट होती थी ऐसी जो रोज की नहीं होती थी, जो अमूमन नहीं होती थी, उस आहट से वो लोग कितना डर जाते थे, किस तरीके से उन सबका आपस में व्यवहार हुआ, किस तरीके से वो रहे उस गोपनीय स्थान पे 2 साल तक। छोटी छोटी बातें एना फ्रैंक ने अपनी इस किताब में, इस डेली डायरी में, दिनचर्या किताब में लिखी है, जो बहुत ही रोचक है पढ़ने के लिए। कैसे वो एक ही खाने पे सरवाइव करते हैं कुछ वक्त तक, कैसे वो अपना अन्न का इंतजाम करते हैं, कैसे अपने वो भोजन का इंतजाम करते हैं, कैसे वो अपने नहाने का इंतजाम करते हैं, कैसे वो अपने मनोरंजन का इंतजाम करते हैं, कैसे वो न्यूज का इंतजाम करते हैं, ताकि उनको समझ में आ सके कि बाहर चल क्या रहा है वास्तविकता में। इस तरह की बहुत छोटे छोटे से खंड हैं जो एना फ्रैंक ने लिखे हैं, डेली जो होता था, जो वो महसूस करती थी कि एक युवा होने की वजह से उसको कोई सीरियसली नहीं लेता था, कोई उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, तो उसके मानसिक स्तर पे उस चीज को कैसे असर पड़ता था, इन सब चीजों के बारे में एना फ्रैंक ने अपनी इस किताब में लिखा है, जो 2 साल उन्होंने एक गोपनीय स्थान पे अपने ही पिता के ऑफिस में बिताया। किताब बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ने के लिए। अगर आपको इस तरीके की डॉक्यूमेंटेड बुक पढ़ने में अच्छा लगता है, तो किताब को जरूर खरीदिए और किताब का आनंद लीजिए। और अगर ये ऑडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको और किताबों के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंच सके और किताबों की सूचना आप तक पहुंच सके, और जो किताब आपको अच्छी लगे, प्रोडक्ट अच्छा लगे, वो आप खरीद सके।